अधिकतर जो लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, बौद्धिक बोलते हैं, धम्मिक बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जो उनकी मूर्ति के आगे 3 बार नमस्कार भी करते हैं, मगर बहुत कम लोगों को ये ज्ञान है कि आखिर उन्होंने पीपल की पेड़ के नीचे प्राप्त क्या किया। ज्ञान प्राप्त किया ये तो ठीक है, मगर वो ज्ञान क्या था ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एक आदमी के लिए, चाहे वो बुद्ध की फिलॉसफी को माने या ना माने। भगवान बुद्ध यानी बुद्ध और सिद्धार्थ जब युवा अवस्था में थे उस समय बड़े जिज्ञासु थे, वो हर चीज़ में प्रश्न पूछा करते थे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उन्होंने इस जिज्ञासा की वजह से 29 साल की उम्र में परमिशन लेके अपने घर से और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। 6 साल तक वो जो वहाँ प्राइवेट लिमिटेड स्कूल और जो आश्रम और जो भी कुछ थे वहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान मौखिक था सारा, क्योंकि ना अक्षर था, ना किताब थी, ना कंप्यूटर था। तो उन लोगों का जो ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया वो उनका एक्सपीरियंस वाला ज्ञान था, जो उन्होंने अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से मेहनत करके, अभ्यास करके प्राप्त किया। 6 साल बाद उनके गुरुओं ने कहा कि बस हमारे पास इतना ज्ञान है। उन्होंने कहा आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, मगर ना तो मुझे ये पता चला कि दुख होता क्या है, कैसे आता है, कैसे जाता है, और इसको दूर कैसे करते हैं। तो दुख तो मेरा वहीं का वहीं है, और मैं घर छोड़ा इसलिए है क्योंकि दुख है, तो दुख को दूर कैसे करें और दुख कैसे काम कैसे करता है। तो जब उन्होंने नमस्कार कर दिया उनको, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ठाना हुआ था, तो वो खुद ही 6 साल का एक्सपीरियंस लेके और गुफाओं में, कंदराओं में बैठे, और उन्होंने एक अधिष्ठान किया कि अब मैं इसको प्राप्त करके छोड़ूंगा। अब प्राप्त कैसे करेंगे, तो उन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना दिया, लैब बना दिया जी। और वो मन के थ्रू, मन के जरिए, मन से अपने शरीर में अंदर अब यात्रा करने लगे और देखने लगे जी। अब शरीर में, मन के अंदर यात्रा कैसे होती है, जैसे आपके पेट में दर्द होता है। अब पेट में दर्द होता है तो कोई टेलीफोन थोड़ी आता है पेट से जी, कि मैं पेट बोल रहा हूँ और मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे दर्द हो रहा है। या कहीं अगर आपके कोई चूटी काट ले जी, तो कोई चूटी काटने वाला थोड़ी बताएगा कि मैंने चूटी काटी है। या कहीं चींटी काट ले तो वो जैसे ही वहाँ से सिग्नल आता है माइंड में तो पता चलता है यहाँ कुछ हुआ है, और वो पुराना एक्सपीरियंस होता है। बस इतनी सी बात को जानते हुए उन्होंने अपने मन को बहुत छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, और इतना छोटा किया कि जैसे पेट दर्द का या दर्द का या शरीर के दर्द का या मन के दर्द का या जो कहीं अगर कुछ दब जाता है, ये तो होगी मोटी मोटी बातें, वो इतना तक भी पता कर लेते थे कि पानी अगर वो पी रहे हैं तो पानी कहाँ कहाँ होता हुआ जा रहा है और किस किस सेल में जा रहा है। फिर उन्होंने और बारीक किया, तो उन्होंने बारीक करते 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 ये देखा कि जो ब्लड की जो सेल्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे जा रही हैं, कैसे आ रही हैं। फिर उन्होंने और बारीक किया मन को, बारीक को मन करने के बाद में वो सेल्स में चले गए, जो शरीर की सबसे छोटी अवस्था थी, और सेल्स में जाने के बाद वो और बारीक करने के बाद में सेल्स के टुकड़े करते करते उसके अणु में चले गए और फिर उसके परमाणु में चले गए। फिर उन्होंने देखा कि अगर कोई गाली बकता है या अपशब्द बोलता है तो अपशब्द होते ही मन पे कैसा प्रभाव पड़ता है और मन शरीर को कैसे आदेश देता है, और कोई अगर मीठा बोलता है तो वो कान से होते हुए मन पे कैसे जाता है और उसका शरीर पे कैसे आता है, असर आता है। ये छोटी छोटी बातें करते 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 वो लास्ट पॉइंट पे पहुँचे जहाँ शरीर का आखिरी बिंदु यानी जो बिल्कुल तरंगें थी, और वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे सारी बातें इकट्ठी होती हैं, उनके कोड कैसे बनते हैं। तब उन्होंने पहली बार ये बताया कि जो शरीर है वो 2 चीज़ों से काम करता है जी। एक काम करता है हार्डवेयर से और एक काम करता है सॉफ्टवेयर से। आज हम इस बात को बहुत आसानी से समझा सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास में कंप्यूटर मोबाइल है। एक बहुत महंगा अगर कंप्यूटर है या बहुत महंगा अगर मोबाइल है और उसमें हम सारी चीज़ डाल दें, बैटरी अच्छी उसकी बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो, और उसमें हम उसका सॉफ्टवेयर ना डालें तो वो चलेगा नहीं। और सॉफ्टवेयर जब डालते हैं तो सॉफ्टवेयर कोई वजन नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर से लाखों कॉपियां हो सकती हैं और वो वाईफाई से भी आ सकता है जी। तो सॉफ्टवेयर डालने के बाद में वो काम करता है, कंप्यूटर है या मोबाइल है या आपका लैपटॉप है या आपका कैमरा है। ऐसे ही शरीर का जो सॉफ्टवेयर है, उन्होंने उस समय बताया 2500 साल पहले कि मन जो शरीर का सॉफ्टवेयर है, अगुआ है, ड्राइवर है, ऐसा उन्होंने साफ बताया। और अगर मन आपका इल है या बीमार है या ख़राब है तो आपका शरीर बीमार होगा, और अगर शरीर ख़राब है तो आपका मन खराब होगा। इसलिए मन को ख़राब करने की जो चीज़ें हैं वो अगर ख़त्म हो जाती हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। और फिर उन्होंने देखा जब उन्होंने लास्ट ज्ञान प्राप्त किया कि ये शरीर का दोबारा से जन्म कैसे होता है। भाई यहाँ तक का तो ठीक था, मगर उन्होंने जन्म और मृत्यु का भी देखा। तब उन्होंने पहली बार कहा कि अरे मुझको समझ में आ गया कि जो जीवों का जन्म होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जीवों के जन्म के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, निकलता है, और जो भौतिक अवस्था में जो पदार्थ होता है वहाँ जाके वो अटैच होता है, वो कैसे होता है। तब उन्होंने कहा कि अब मैं समझ गया हूँ,
अब मैं अपना दोबारा जीवन नहीं होने दूंगा और मेरा दोबारा जीवन नहीं होगा, ये मेरा अंतिम जीवन है। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने सॉफ्टवेयर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कोड आने दिया जिससे कि उनका रीबर्थ हो। लंबी कहानी है, लंबी हिस्ट्री है, थोड़ा सा अभिधम में है, बताने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जाना है तो सॉफ्टवेयर वाईफाई के थ्रू निकलना चाहिए और दूसरा उसको कैच करने का रिसीवर होना चाहिए। तो शरीर भी रिसीवर होना चाहिए और वाईफाई भी, दोनों मैच कर जाते हैं तो वो कंप्यूटर चल जाता है। ठीक यही थ्योरी उस समय उन्होंने देखी कि जो हम शरीर में पूरी ज़िंदगी काम करते हैं तो हम काम करते करते कोड बनाते हैं और वो कोड अच्छे और ख़राब दोनों होते हैं, मगर काम वो एक सा ही करते हैं। अगर ख़राब कोड बनेगा तो वो कष्ट देगा, उसकी जो संवेदनाएं हैं, जो तीव्रता हैं, जो वेदनाएं हैं, तरंगें हैं वो ज़्यादा होती हैं तो वो शरीर को नुकसान देती हैं। और अगर हम सॉफ्ट बनाते हैं तरंगें और अच्छा काम करते हैं तो वो सुखद होती हैं, अच्छी होती हैं, और ये इकट्ठी होती चली जाती हैं और मृत्यु के समय ये हमें परेशान करती हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक बुढ़े का दम नहीं निकल रहा, भाई क्यों नहीं निकल रहा इसका दम, कि इसकी कोई इच्छा होगी। इच्छा का मतलब है कि पूरे जीवन उसने कोई कोड बनाया है, जैसे उसके बेटे की शादी कहीं हो जाए, उसके पास पैसा माल आ जाए, या उसके वो जो घर परिवार है वो सुखी रहे, या कोई ऐसी इच्छा है कि भाई मुझे वहाँ जाना था या ये खाना था, तो वो अटक जाता है तो कोड निकलता नहीं। और वो इच्छाएं कोड के रूप में एक साथ जंप करती हैं तो वो सॉफ्टवेयर को बंद कर देती हैं और आदमी की जो बॉडी है यानी हार्डवेयर है वो डेड हो जाता है। और अगर उसको सॉफ्टवेयर को दोबारा उसमें डाल दें तभी तुरंत हार्डवेयर के ख़राब होने से पहले, तो वो दोबारा चल सकती है मशीन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुद्ध ने उस समय बताया, इसलिए ये ज्ञान दुख को दूर करने के लिए और दुख को लाने के लिए दोनों में काम करता है। यानी कि एक अच्छे भले आदमी को आप दुखी भी कर सकते हैं इस ज्ञान से, और एक अच्छे दुखी आदमी को एक अच्छा भला भी कर सकते हैं। इसलिए इसको चक्र को उन्होंने बताया कि इसको सही तरीके से चलाना है, इसको सीधा ही चलाना है जी। जो उन्होंने जीवन चक्र बताया था कि इसको सही चलाएंगे तो सुख मिलेगा, इसको उल्टा चलाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर, सारा का सारा हार्डवेयर उन्होंने बताया, और वो जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक जीव रहेगा, तब तक उनका ज्ञान सर्वोपरि रहेगा। क्योंकि मन और मस्तिष्क और ये जो बॉडी है ये उसके साथ रहती है, और जब तक ये साथ रहेगी बुद्ध का ज्ञान परम ज्ञान रहेगा, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मनुष्य बना ही इसी ज्ञान से है।